ऐसी स्किल जो आप अपने घर से बैठ के सीख सकते। अगर कोई मेरे पास आता है कहता फाद भाई मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा $2000 वो पे करेगा, आप मुझे क्या देंगे? ठीक है आपको क्या चाहिए? ठीक है मुझे 25% चाहिए। हर कंपनी की देखें तो 10,000 एम्प्लॉइज है, दे नीड समबडी हु कैन मैनेज द प्रोजेक्ट एंड डेलीगेट द वर्क अकॉर्डिंगली। हेलो अनस्टॉपेबल्स, हाउ्स इट गोइंग? वेलकम टू 2021। हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट पांच ऐसी स्किल्स जो आप 2021 में अप्लाई कर सकते हो टू मेक योर दिस ईयर अनस्टॉपेबल। ऐसी स्किल्स जो आपको जिंदगी में असल में आगे निकाल सके। तो ये वो स्किल्स है जिसके लिए आपको सदियां नहीं लगेंगी सीखने के लिए। ये वो ऐसी स्किल्स है जिसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में इमीडिएट हो, राइट नाउ। जब मैं इन स्किल्स की बात करता हूँ कौन सी ये स्किल्स ऐसी हैं, इसके लिए एक क्राइटेरिया मैंने सेट किया है। जो क्राइटेरिया वो ये है जिससे आपको फायदा हो। लेट्स टॉक अबाउट द क्राइटेरिया फॉर दीज स्किल्स। पहला क्राइटेरिया क्या है? टू लर्न दिस स्किल्स। ये वो स्किल्स जिसके लिए आपको टाइम कम लगे, कि जिसके लिए आपको वापस यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े, जिसके लिए आपको जाके 3 साल 2 साल का कोई डिप्लोमा या कोर्स ना लेना पड़े। ये मैं वो स्किल्स बताऊंगा जो आप अप्लाई के लिए टाइम और लर्निंग का जो हो बहुत कम हो। नंबर टू क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है कि ये वो स्किल्स हो जिसका इम्पैक्ट आपके करियर में राइट अवे हो, नॉट 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया जो आप अपनी पेस पे सीख सको, ये नहीं कि आज ही मैंने 8 घंटे लगाने हैं या आज मैंने 4 घंटे लगाने हैं, जो आप सेल्फ लर्निंग पे भी टॉट आउट कर सकते हो अपनी पेस पे। अगर आप चाहते हो मैं 10 घंटे लगा सकता हूँ, गो फॉर इट। अगर आप चाहते हो यार मुझे इन स्पेस इंटरवल्स पे सीखना है, 1 घंटा टुडे 1 घंटा टुमारो, यस ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये स्किल आप सीख सकते हो एट योर ओन पेस। एंड द लास्ट क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कोविड की, एवरीबॉडी इज एट होम, चाहे काम भी कम हुआ है, ऐसी स्किल जो आप अपने घर से बैठ के सीख सकें, जिसके लिए आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो जरूर करो, लेकिन ये स्किल्स आप ऑनलाइन अपने कंफर्ट ऑफ घर में बैठ के सीख सकते हो। तो ऐसी ये 5 स्किल्स क्या है जो आपकी जिंदगी में इमीडिएट इम्पैक्ट, faster learning at the pace you want to learn and right from the comfort of your home. पहली स्किल जो मैं बात करूंगा, ये वो स्किल्स हैं जो कि मैं सिर्फ बात नहीं करता, अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में मैंने खुद अप्लाई की है। नंबर 1 स्किल व्हिच आई थिंक 2021 एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको जरूरत होगी, डेफिनेटली एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती, इज लुकिंग फॉर दिस, एंड दैट्स डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ ह्यूज फील्ड, इट्स अ वास्ट फील्ड, उसके अंदर काफी ज्यादा सेगमेंट्स हैं, आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट, बट हर कंपनी आजकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंस के लिए लगी हुई है। एवरीबॉडी इज फाइटिंग टू गेट योर अटेंशन, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो टिकटॉक हो, जो मर्जी आप नाम लो, हर कोई आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए, इसके पीछे जो एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, साइंस चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोग खुद सीख सकते हो, यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। कई लोगों ने मुझे आके कहा फहद भाई आपकी मार्केटिंग बिजनेस है, आप क्यों नहीं आके लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते? इंशाल्लाह सून वी विल टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग टू, जो चीज हमने सीखी एंड गो एंड टीच अदर्स टू गिव यू एन आइडिया। लोग बात करते हैं चीजों की जो खुद अप्लाई जिंदगी में नहीं करते। ये जो स्किल है, ये हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग का ड्यूरिंग कोविड मार्च में जब कोविड फैलना शुरू हुआ, हमने क्या किया, वी लॉन्च आवर 4th ऑफिस एट दैट टाइम इन लाहौर पाकिस्तान, एंड वी लॉन्च आवर ओन डिजिटल मार्केटिंग टीम। हमारे कुछ काम ये कनाडा से हो रहे थे, बट वी लॉन्च आवर फुल ऑफिस इन लाहौर, क्योंकि ताकि हम जाके नॉट ओनली फॉर आवर सब, जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट का मिशन है, नॉट ओनली दैट, वी कैन गो आउट एंड हेल्प अदर बिजनेसेस टू गेट मोर रीच एंड कनेक्ट टू देयर कस्टमर्स। अगर ये स्किल आप डेवलप कर लेते हो, there's so many tools online, paid and unpaid, this will help you to get your career to the next level. जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, ये स्किल आपने पाकिस्तान में नहीं बेचनी, ये आपने इंडिया में नहीं बेचनी, ये आपने फिलीपींस में नहीं बेचनी, ये आपने बांग्लादेश में या अफगानिस्तान, जो भी हमारे है इन मार्केट्स में नहीं। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, यू कैन सेट एंड कम्पीट इन द बेस्ट कंट्रीज। आप US में कम्पीट करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, UK में करो,
कनाडा में करो, कहीं पे भी, where you're collecting money dollars. मैं विषय की बात करता हूँ यार, अगर आपकी एक स्किल है, आप कहते हो जी मैं ये आपको सर्विसेज दूंगा, ठीक है, जो आपकी स्किल्स है ये आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हो, यू कैन सेल दिस सर्विसेज ऑनलाइन इन द इंटरनेशनल मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग. हाँ, आप पाकिस्तान में एक सर्विस देते हो 20,000 रुपए ले लोगे, जो कि कैनेडियन डॉलर्स में इज अबाउट लेट्स से $150. वही सर्विस का आप $400 से $800 इंटरनेशनल मार्केट में चार्ज कर सकते हो. यस, कॉम्पिटिशन है, स्टैंडर्ड्स भी बेहतर है, बट हाउ कम यू कैन डेवलप दोस स्टैंडर्ड्स टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट. तो पहली स्किल माई फ्रेंड्स, गो एंड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट स्किल नंबर टू. ये स्किल वो स्किल है जिसकी वजह से जिंदगी में सारा पैसा इसी पे बनाया है. इट्स कॉल्ड सेलिंग एंड क्लोजिंग. बेचना, सेलिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल वी नीड. आप चाहे अपनी जॉब के इंटरव्यू पे जा रहे हो, या आपका बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है कि मेरा ये स्टार्टअप है, मेरा इतना ब्रिलियंट आइडिया है, अगर वो आइडिया आप जाके पिच ही नहीं कर सकते किसी को दिखा ही नहीं सकते, आप प्रेजेंटेशन ही नहीं दे सकते, तो उस आइडिया का क्या फायदा? यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर नॉट बी एबल टू कन्विंस एनीवन. कन्विंसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं चाहता हूँ किसी को कहता हूँ यार ये आइडिया वी कैन इंस्पायर मिलियंस ऑफ यूथ इन पाकिस्तान ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगला कन्विक्शन देखते हैं, वी गो विद द प्रोसेस, तो दैट इज वन ऑफ द स्किल आपको डेवलप करनी है स्पेशली 2021 में. अगर आपकी कन्विंसिंग स्किल नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल. अगर 2021 हो या गोइंग फॉरवर्ड या पेंडेमिक है, ये इन सब में आपको एक क्लोजिंग स्किल्स चाहिए. हाउ कैन यू क्लोज? एक क्लोजिंग स्किल सिर्फ फेस टू फेस सेल्स नहीं होती, क्लोजिंग आप फोन पे भी कर सकते हैं. राइट नाउ पूरी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से एवरीबडी हैव मूव्ड वर्चुअली, सारे लोग वर्चुअली मूव हो चुके हैं. अब जरा सोचो, जो एक कंपनी थी कैनेडा या यूएस में, वो एक B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल्स रेप को पे करते थे $50,000 से $60,000 सैलरी. ये एक एवरेज है B2B की. ऑन टॉप उनको कमीशंस मिलते हैं. तो अच्छा जो डिसेंट से अपर स्केल वाला है वो बना लेता है $1,00,000 बना लेता था. जो बहुत ही टॉप टॉप एलीट सेल्स भी लोग $150,000, $250,000 बना रहे हैं, लेकिन वो फेस टू फेस जाके बेचते थे. लेकिन वो बिजनेसेस बंद नहीं हुए. अब क्या हुआ, सबको समझ आ गई हमें फोन से बेचना है. वही बंदा अब फेस टू फेस नहीं आ रहा, वो जो बंदा जो बैठा है जिसका नाम जो है या जॉर्ज है, वो फोन पे बैठे, हे दिस इज जॉर्ज आई एम ट्राइंग टू सर्व यू. Why can't you be that George sitting in Pakistan and calling that person? Closing skills की है. अब जो international companies सारी बैठी हैं, जो बाहर के ममालिक में हैं, उन सबको सेल्स पर्सन जो है फोन में बेच रहे हैं, लेकिन वो बहुत हैवी उनको पे कर रहे हैं. अगर मेरी कंपनी लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज बेचना, अगर कोई मेरे पास आता है कहता फाद भाई मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा $2,000 वो पे करेगा, आप मुझे क्या देंगे? मैं बोला ठीक है, आपको क्या चाहिए? ठीक है मुझे 25% चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम लाइक श्योर, मैंने 25% दिया, $500 उसको दे दिए, $1,500 की मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की. उस $25 के लिए मुझे तो कुछ पे नहीं करना पड़ा ना. इसी तरह अगर आप क्लाइंट्स को पकड़ो कि आप जो सर्विसेज बेच रहे हो, हाउ अबाउट आई गो एंड फाइंड द प्रोस्पेक्ट्स एंड सेल इट फॉर यू, कोई बंदा ना नहीं करेगा. बहुत कम लोग करेंगे जो ब्रांड इमेज और कॉन्शियस के बारे में होंगे, लेकिन मोस्ट B2B कंपनीज कहेंगे लाओ यार आप मुझे नया क्लाइंट ला के दे रहे हो, 100 बिस्मिल्ला आप आओ और आपको मैं कमीशन पे कर दूंगा. बट यू आर नॉट सिटिंग इन US, यू आर नॉट सिटिंग इन कैनेडा, आप यहाँ से कॉल लगा के वॉइस ओवर आईपी का अच्छा हेडसेट रखो, अच्छी देयर सो मेनी कंपनीज यू कैन यूज टू गो कॉल पीपल, यू कॉल देम एंड गेट द कस्टमर्स. नाउ वो जो एक डील है, अगर आपको एक डील भी $500 है, मोस्ट लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं $500 के लिए बहुत है. कुछ लोग ऐसे भी वॉच करेंगे जिनके लिए $500 दो दिन का खर्चा ना चला है. जो भी है $500 एक मैं बहुत कम कमीशन की बात कर रहा हूँ, एक रियलिस्टिक चीज की. Give you an idea, हमारे जो सेल्स पीपल है जो बेसिक टेलीकॉम का प्रोडक्ट बेचते हैं, एवरेज कस्टमर दिन के 2-3 कर लेते हैं, $150 से $250 उनका कमीशन होता है पर कस्टमर. तो यही चीज अगर आप फोन से कर सकते हो, इट्स अ ब्रिलियंट, एंड इफ यू कैन गो एंड डू इट, पैसा आप आराम से बना सकते हो. तो दूसरी स्किल क्या थी? क्लोजिंग, सेलिंग एंड क्लोजिंग, सेलिंग एंड क्लोजिंग. और इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग पूरे टॉपिक्स बनाएंगे, बिकॉज बाय ट्रेड I am a trainer which comes for sales and marketing. So inshallah, that's what we're going to talk about it. So the third skill, which I believe has a huge potential, jiske liye aap log focus karna chahiye agar aap chahte ho. Ye mera passion nahi hoga because I'm not this person, lekin it's programming and coding. Coding jo hai kahin jaane wali nahi hai, coding hamesha rahegi. Ab jab pandemic in the baat ke 2021 hum future mein move ho rahe hain, har cheez automation ki taraf ja rahi hai, और उस ऑटोमेशन के लिए
डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोड्स लिखे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में की जाती है। हमने अपनी कंपनी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कराए जो हमने कनाडा में ही पे किए। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो या फिलीपींस में या अफगानिस्तान, वेयर यू आर सिटिंग, यू कैन डू द सेम सोर्स ऑफ कोड फॉर लॉट चीपर। और काफी कंपनीज को आप अप्रोच कर सकते हो कि आपकी जो बिग प्रॉब्लम है, व्हाट इफ आई सॉल्व देम देन यू पे मी। A lot of companies like me, they were like, you know what, if you're that confident, agar aap itne confident ho ki aap deliver karoge, sure yaar, ye lo paise lao, mujhe deliver karo and I'll pay you. So right now I think jo bhi coding hai, you need to test kaun si languages aap comfort zone hai, kis pe aap karna chahte ho, kis pe grow karna chahte ho. Is it more about C++ mein ja rahe ho, java mein ja rahe ho, aap log python mein ja rahe ho, jisme bhi ja rahe ho, learn whichever you think is the best for you and which you are passionate about. The coding will be a huge one because everything is going to move toward automation, and it is already. Alhamdulillah, Pakistan mein bhi automation aa rahi hai finally, to which is a great thing. The fourth skill which I believe jiska bahut bada potential hai aur jiske liye aap log develop kar sakte ho skills, aur iske courses bahut available hai, project management. Why project management? Ek cheez jo itni complex hai, har company ke yaar logo ke dekh rahe ho, 10,000 employees hai. They need somebody who can manage the project and delegate the work accordingly. Project management skills, you guys can develop. There's so many courses all on Udemy. Go or YouTube. There are some best people without endorsing anybody. Go take a look. Develop the project management skill. Why? Jo badi companies hai, jisse maine baat ki sales ki, they are looking for somebody jo unke projects ko manage kar sake, streamline kar sake, aur jo coding ke baad ki automate kar sake. So these all these things are interconnected together. Sabse bada fayda 2021 mein iska ye, we are talking relating everything to pandemic. Har company, jis company ne aaj tak nahi socha tha na yaar main online bechunga, aaj kal wo bhi online baitha hua hai. Theek hai, kabhi darzi ne bhi socha tha main online baithunga, lekin darzi bhi ab online baitha hua hai. Theek hai, jo dhabe wala tha usko bhi pata tha main online bech raha, wo bhi online bech raha hai. Chahe wo Pakistan ho ya wo international market mein aap US Canada chala jaye, ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने आज तक ऑनलाइन के ऑनलाइन अब भी जाएंगे। अगर स्मॉल रेस्टोरेंट वी गोना डू लाइक जस्ट फेस टू फेस एंड पीपल वॉक इन, सारे बर्बाद हो गए। हर किसी को स्विच करना ऑनलाइन के लिए, तो अगेन इफ यू कैन मैनेज सम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स फॉर देम, डू दैट एंड इट विल पे यू हैंडसमली वेल, हैंडसमली वेल। दे आर लुकिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अगर वो आप हो देन गो एंड डिलीवर योर सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। लेट्स कम डाउन टू द फिफ्थ स्किल। ये जो पांचवी स्किल है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, हमने जिसकी बात की थी, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक मैंने नहीं देखा जो इसके ऊपर एक्टिवली ट्रेन या कर रहा हो। इट्स कॉल्ड कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है? देखिए, जो एक आप पोस्ट डालते हैं उसके लिए जो अलग में लिखी होती है ना, मतलब जो जी मैं ले दिया जी, आओ जी ले लो 50 रुपये ऑफ। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब आप ऑनलाइन स्पेस में कम्पीट कर रहे हो, फेसबुक एड्स हो गए, यहाँ पे एक ईमेल आती है, टेक्स्ट मैसेज आता है, उसके पीछे साइंस यूज की जाती है। प्रॉपर सेलिंग की, जो क्लोजिंग स्किल्स की बात करें, जो बंदा बाद में क्लोज करता है, जो लीड को लाता है, वो कॉपी राइटिंग का काम है। कॉपी राइटिंग का काम है कि आपने कैसे वर्डिंग यूज करनी है, क्या अल्फाज यूज करने हैं, किस वक्त करने हैं, एंड हाउ यू कैन पुट एवरीथिंग टुगेदर इनटू दैट फनल, जो आपकी फनल आ रही है, एंड गेट देम टू योर सेल्स टीम सो दैट दे कैन क्लोज इट लाइक दिस। तो कॉपी राइटिंग, अगर आपको कॉपी राइटिंग का ज्यादा नहीं पता, गो ऑनलाइन या सर्च हाउ टू बिकम अ कॉपी राइटर। यूट्यूब पे हर चीज मिलती है, यूट्यूब से सीखना शुरू करो। अगर पसंद आता है देन यू कैन स्टार्ट गो एंड गेट द प्रीमियम कोर्सेज। देयर सो मेनी पीपल, पर्सनली मैं खुद कॉपी राइटिंग के कोर्सेज खुद लिए हूं, बिकॉज सम टाइम आई फील लाइक यू नो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, बट आई वांट टू बी अ पायनियर इन दीस थिंग्स इन पाकिस्तान। क्यों? कोई भी नहीं कह रहा। हमने कुछ टेक्निकल चीजों की बात करते हैं, लैंडिंग पेजेस, सर्टेन लैंडिंग पेजेस, पाकिस्तान में मैंने अपनी तरीके से कोई भी, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज तरह की टेक्नोलॉजीज और इंटरफेसेस और सारी बैक एंड चीजें यूज कर रहे हैं, दे स्टिल मैनुअल। लेकिन मेरा गोल क्या है? ऑटोमेट। कॉपी राइटिंग से लेके फिर जो आपका सेल्स फनल है उसको लेके, आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको लेके, आपकी जो क्लोजिंग चीज है, एवरीथिंग ऑटोमेटेड। कुछ कोडिंग यूज होगी, कुछ ऑलरेडी प्रीबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं। तो ये पांच स्किल्स ऐसी हैं जो कि ना तो काफी टाइम लगेगा इनको सीखने के लिए, अपनी पेस पे सीख सकते हो, घर बैठे बैठे सीख सकते हो, एंड ये वो स्किल्स हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में अभी आएगा, नॉट 4 years डाउन द रोड। चले मैं आपको एक बोनस स्किल भी दे देता हूँ, इसके अलावा और कौन सी स्किल का काम आएगा? ये तो आसान है, ये जो मैं बताने वाला हूँ इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। काफी लोग कहेंगे यार फहद भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। तो ये जो लास्ट स्किल है जो मैं करता हूँ, जिसका मुझे शौक है, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में अगर बेहतर होंगे ना, जो आपकी वो क्लोजिंग और सेल्स की स्किल है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू,
बिकॉज जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, अपना आइडिया पिच करते हो, दैट शोज अ डिफरेंट इंप्रेशन. जो बंदा एक बोलेगा ना डर के बोलेगा, उसको शायद 100 रुपया मिले. जो बंदा अगर आई एम गोना डिलीवर यू, ये है वो है, एंड यू गिव दैट कन्विक्शन, शायद उसको 100 डॉलर भी मिले. तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल which you should have. अगर आप किसी भी कंपनी में, यार आप अकाउंटेंट, यू नो बोरिंग अकाउंटेंट जो कहते हैं इंजीनियर होते हैं, मैंने बात तंग कर मुझे ऐसे बैठा दे, वो इंजीनियर को भी अगर आप देखोगे ना, कोई टॉप कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, वो बोरिंग इंजीनियर बोरिंग अकाउंटेंट नहीं बनेंगे. उनकी पर्सनैलिटी जो होगी, वो अपने 100 एम्प्लॉइज या 10,000 एम्प्लॉइज के सामने जब खड़े होंगे, उनको वो एनर्जी फील होगी, मैन दिस इज द एग्जीक्यूटिव. तो वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए. ये एक लाइफ का लेसन सीख लो, बिकम बेटर एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. नहीं यार, लेकिन कैसे? गूगल है. कैसे 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 करते रहोगे ना, उसका जवाब आपको ना हमेशा दिमाग के नहीं करना. आंसर्स है, स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. छठी स्किल है, मैंने आपको फ्री में गिफ्ट की है, गो अप्लाई दी स्किल्स. माय फ्रेंड्स, 2021 कैन बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड एवरी ईयर आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड ऑन इट. अल्हम्दुलिल्लाह, 2020 जो था मेरी जिंदगी का, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फाइनेंशियली. वी बिल्ट आवर कंपनी, वी डबल्ड आवर कंपनी साइज विदाउट पीएस. हमारे 3 offices थे कनाडा में. During this COVID, we have now 6 offices, 1 in Pakistan, 5 in Canada. क्यों? Because we are applying these skills what we are learning. ये वो चीजें नहीं जो मैं सिर्फ बातें करता हूँ. हाँ, programming और coding की शायद हमारी expertise ना हो, but I have a very good people, good friends who are experts and master into this. तो rather than we go and learn, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बनाना है, हमने next level पे बनाना है. तो I just call him and say, hey buddy, can you create this for me? कहता, no problem, it will be done. And that's what they're specializing in. So go out, seekho, apply karo. Sunne se farak nahi padega. If you apply and go take a massive action, that's the only way your 2021 could be unstoppable. My friends, I am unstoppable. So are you. Till then, Allah.